तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जस्टिस एनवी रमन ने हाल ही में एज अ 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ग्रहण की और सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार संभाला। सो एज यू नो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी के हेड होते हैं और जुडिशरी गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन होती है। तो आइए आज एक्सप्लोर करते हैं गवर्नमेंट के इस थर्ड ऑर्गन यानी कि जुडिशरी को और जानते हैं वॉट इज जुडिशरी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन। और हाँ, इस वीडियो के एंड में एक बोनस टिप है और वो आपको तभी समझ आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। जुडिशरी सबसे मतलब गवर्नमेंट के उन ऑफिसर से है जिनका काम इंडिविजुअल केसेस में एग्जिस्टिंग लॉ को निष्पक्ष रूप से अप्लाई करना और जस्टिस प्रोवाइड करना है। जिस तरह लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट कराती है, उसी तरह जुडिशरी का काम होता है उनका इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँ। तो इन शॉर्ट, जुडिशरी गवर्नमेंट की वो ब्रांच होती है जो लॉस को इंटरप्रेट करती है, डिस्प्यूट सॉल्व करती है एंड जस्टिस प्रोवाइड कराती है। तो ये तो हुआ जुडिशरी का मतलब। तो आइए अब जानते हैं जुडिशरी की इम्पोर्टेंस। जुडिशरी की इम्पोर्टेंस जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि हमारे देश में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ चलता है और जुडिशरी का काम है इसे मेंटेन रखना। जैसे जुडिशरी हमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाती है, जस्टिस प्रोवाइड कराती है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाती है। तो इस सब से आप जुडिशरी की इम्पोर्टेंस तो समझ ही सकते हैं। अगर जुडिशरी ना हो तो क्या हो? अगर अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, एक बार जुडिशरी के फंक्शन समझ लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा कि ये सब कैसे होता है। तो जुडिशरी का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है डिस्प्यूट सुनना और उनको डिसाइड करना। इसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार यानी जो भी प्रोसीजर लॉ के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एटसेट्रा, इनके द्वारा अपना वर्डिक्ट दे, जो कि जुडिशरी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, जुडिशरी संविधान के संरक्षक के रूप में यानी कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करती है। अगर एग्रीव्ड पार्टी यानी ऐसा व्यक्ति जिसके बेसिक राइट्स वायलेट हुए हों तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उस व्यक्ति के बेसिक राइट वायलेट ना हुए हों पर उसे ऐसा ठोस शक हो कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने वाले हैं तो वो उसे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ऐसा होने से पहले ही कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और जुडिशरी का थर्ड फंक्शन भी सेकंड फंक्शन से मिलता जुलता है। अंडर दिस फंक्शन जुडिशरी के पास ये अधिकार होता है कि वो लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए किसी भी लॉ को इनवैलिडेट या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इफ़ जुडिशरी फाइंड आउट दैट कोई लॉ बेसिक राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो उसे इनवैलिडेट कर देगी। सो द फंक्शन ऑफ जुडिशरी टू इनवैलिडेट अ लॉ ऑन द ग्राउंड्स दैट इट डज नॉट एग्री विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। अगर आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में और जानना है तो मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं जुडिशरी के चौथे फंक्शन की ओर। तो जिस तरह से जुडिशरी संविधान के संरक्षक है, उसी तरह से वो फेडरेशन की भी प्रोटेक्टर है। एज यू नो कि फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत होती है। तो कोई भी ऐसा एक्शन, चाहे स्टेट के द्वारा लिया गया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो फेडरेशन के खिलाफ होता है उससे फेडरेशन की प्रोटेक्शन करती है और उसे टूटने से बचाती है और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के कंफ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश करती है। तो अब बढ़ते हैं जुडिशरी के पांचवें फंक्शन की ओर, जिसके तहत जुडिशरी ऑल्सो एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन विच इट कीप्स एंड मेंटेन ऑल द जजमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन इट्स आर्काइव। और ये रिकॉर्ड्स फ्यूचर में जुडिशरी को किसी सिमिलर नेचर के केस को सॉल्व करने में मदद करते हैं। सिक्स्थ फीचर से मिलते जुलते केसेस तो आपने हाल ही में काफ़ी सुने होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो कोर्ट उससे पनिश करती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंक्लूड्स क्रिटिसिज्म ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, कंडक्ट ऑफ जजेस एंड एटसेट्रा। और अब टाइम है बोनस टिप का, जो कि जुडिशरी का काफ़ी खास फीचर है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि कई केसेस में लॉ क्लियर नहीं होते और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जजेस लॉस का इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग लॉस का मतलब निकालना है, लेकिन इसके चलते वो उन लॉस में इंसर्टेड किसी वर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं, बस उस शब्द का मतलब निकाल सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
तो अब अगर आपको जानना है कि जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स को कैसे वायलेट होने से बचाती है, तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।